कैसे हो आप सब आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल टूडे वी आर डूइंग अ चैप्टर जिसका नाम है प्लेसेस इन द नेबरहुड यानी जहां हमारा घर है जहां हम रहते हैं उसके आसपास में कौन कौन सी जगह होती हैं दे आर मैनी डिफरेंट प्लेसेस इन आर नेबरहुड वी विजिट दीज प्लेसेज फॉर वेरियस पर्पेज वन बाई वन हम पढ़ेंगे इन जगह के बारे में फर्स्ट इज मार्केट मैनी शॉप्स टुगेदर फ्रॉम अ मार्केट जब बहुत सारी दुकानें एक साथ मिलकर हमें दिखाई देती हैं एक जगह पर बहुत सारी दुकानें होती हैं तो उसको क्या कहते हैं मार्केट दी शॉप्स सेल ऑल थिंग्स ऑफ डेली यूज यहाँ पर हमें जो भी हमें डेली चीज़ें चाहिए होती हैं वो आसानी से मिल जाती हैं वी बाई थिंग्स वी नीड फ्रॉम द मार्केट और जो भी हमें चीज़ें चाहिए होती हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं मार्केट से वी बाई फ्रेश वेजिटेबल्स एवरी डे यहाँ से हम रोज़ाना ताज़ा सब्जियाँ खरीद सकते हैं वी परचेज फ्रेश मिल्क फ्रॉम अ मिल्क डेरी और हमें ताज़ा दूध कहाँ से मिलता है मिल्क डेरी से द कन्फेक्शनर सेल स्वीट्स मिल्क कर्ड क्रीम एंड बटर जो शॉप कीपर होता है यानी कि जो कॉन्फेक्शनर होता है वो हमें मिठाइयाँ सेल करता है दूध दही क्रीम और बटर यानी दूध से बने हुए प्रोडक्ट सेल करता है द बेकर सेल्स बिस्किट्स ब्रेड्स केक्स एंड पेस्ट्रीज जो हमारे नेबरहुड में बेकमैन की शॉप होती है वहां से हमें बिस्किट मिल सकते हैं ब्रेड मिल सकते हैं केक और पेस्ट्रीज मिलती We वी buy बाय टॉयज आइसक्रीम्स शूस एंड क्लोथ फ्रॉम द मार्केट और मार्केट से हम खिलौने भी खरीद सकते हैं आइसक्रीम भी खरीद सकते हैं जूते खरीद सकते हैं कपड़े खरीद सकते हैं यानी मार्केट में हर एक चीज जो हमें चाहिए होती है वो मिल सकती है नाउ हेर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अमोल इज अ वेरी लार्ज बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स विद मैनी स्टोरीज सेलिंग डिफरेंट थिंग्स It also has restaurants, multiplex to watch movies on big screen, and game zones. फॉर होल सम एंटरटेनमेंट एट्सेट्रा मॉल क्या होता है जैसे आप शॉपिंग करने मॉल में भी जाते होंगे मॉल क्या होता है एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स होता है जहाँ पर बहुत सारी दुकानें बहुत सारी हाई फाई चीज़ें एक जगह पर आपको अवेलेबल होती हैं जैसे कि वहाँ आप शॉपिंग भी कर सकते हो रेस्टोरेंट्स भी होते हैं वहाँ पर आप मल्टीप्लेक्स में मूवी भी देख सकते हो बिग स्क्रीन पर वहाँ पर गेम जोन भी होता है जहाँ पर आप इन्जॉय कर सकते हो नाउ Next topic is Post Office. सारे हमारे रिश्तेदार और फ्रेंड्स जो हैं, वो दूसरे टाउन और दूसरे शहरों में बसे होते हैं तो हम पोस्ट ऑफिस की हेल्प से डाक खाने की मदद से हम उनको लेटर भेज भी सकते हैं और उनसे हम लेटर रिसीव भी कर सकते हैं ओके बच्चो लुक इन द पिक्चर ये कौन है पोस्टमैन जो कि आपको डाकिया जो कि आपको लेटर देता है ये क्या है लेटर बॉक्स जहाँ आपको लेटर भेजना होता है वो आप इसमें डाल देते हो और फिर पोस्टमैन क्या करता है यहाँ से लेटर निकाल कर और जो एड्रेस इस पर लिखा होता है वो वहां पर भेज देता है फर्स्ट वी बाय अ पोस्ट कार्ड इन लैंड लेटर और एनविलप फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस सबसे पहले हमें पोस्ट ऑफिस से या तो एक पोस्ट कार्ड लेना होता है या इनलैंड लेटर लेना होता है और एक एनवलप लेना होता है वी यूज दीज टू राइट एंड सेंड मैसेज बाई पोस्ट क्यों क्या करते हैं हम इस पर क्योंकि हम इस पर अपने मैसेज लिखते हैं वी पुट लेटर्स इन टू अ रेड कलर्ड लेटर बॉक्स और इस लेटर को एनवेलप में डाल के उस पर एड्रेस लिख के हम लेटर बॉक्स में डाल देते हैं फ्रॉम देयर द पोस्टमैन टेक्स टैम टू द पोस्ट ऑफिस वहां से पोस्टमैन उनको निकाल के पोस्ट ऑफिस ले जाता है द लेटर्स आर स्टैम्प्ड एंड सोर्टेड और सिटी वाइज उनके बाद क्या करते हैं उन लेटर्स का स्टैंप लगाते हैं पोस्ट ऑफिस वाले और सिटी वाइज जैसे दिल्ली के अलग है मुंबई के अलग ऐसे सिटी वाइज उनको अलग अलग कर देते हैं दे आर सेंड टू डिफरेंट पोस्ट ऑफिस टू देयर एड्रेसेस उसके बाद अलग अलग पोस्ट ऑफिस में वो भेजे जाते हैं देन द पोस्टमैन डिलीवर द लेटर्स टू ईच एड्रेस उसके बाद उस शहर का जो पोस्टमैन होता है वो उन लेटर को डिलीवर करता है वी कैन ऑल्सो सेंड थिंग्स बाय अ पार्सल एंड मनी बाय अ मनी ऑर्डर हम पैसे भी भेज सकते हैं कैसे मनी ऑर्डर करके या फिर पार्सल से वी सेंड अर्जेंट मैसेज बाय टेलीग्राम अगर हमें कोई अर्जेंट मैसेज इंपॉर्टेंट मैसेज भेजना होता है तो वो हम टेलीग्राम भी कर सकते हैं द पोस्ट ऑफिस ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ बैंक और पोस्ट ऑफिस कैसे काम करता है जैसे कि एक बैंक काम करता है वैसे भी कर सकता है वी मे ऑल्सो डिपोजिट मनी इन द पोस्ट ऑफिस क्योंकि पोस्ट ऑफिस में हम अपना सेविंग अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं जैसे बैंक में आप अकाउंट ओपन कराते हो तो पोस्ट ऑफिस में भी आप मनी डिपोजिट कर सकते हो नाउ नेक्स्ट इज हॉस्पिटल एंड क्लिनिक वी गो टू अ क्लिनिक और हॉस्पिटल वेन वी आर इल और हर्ट जब हमें चोट लग जाती है या हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं क्लिनिक में या फिर हॉस्पिटल द डॉक्टर्स चेक एंड गिव मेडिसंस वहाँ पर डॉक्टर हमें चेक करते हैं और हमें दवाइयाँ देते हैं नर्सेज लुक आफ्टर पेशेंट्स और वहाँ पर नर्सेज भी होती हैं जिनको हम सिस्टर्स कहते हैं वो पेशेंट की देखभाल करती हैं नेक्स्ट इज पुलिस स्टेशन एक अच्छे नेबरहुड में एक पुलिस स्टेशन भी होता है जहाँ पर पुलिस मैन होता है हमारी हेल्प करने के लिए दे पेट्रोल द नेबरहुड एंड कैच द थिज वो क्या करता है वो नेबरहुड में पेट्रोल यानी कि घूमता रहता है और जो चोर होते हैं उनको पकड़ लेता है द गार्डस एंड आर प्रॉपर्टी वो हमारी रक्षा करते हैं और हमारी प्रॉपर्टी को भी बचाते हैं द ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल्स द ट्रैफिक और ट्रैफिक पुलिस क्या करती है ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल करती है नेक्स्ट इज फायर स्टेशन मैनी टाइम्स अ हाउस बिल्डिंग और फैक्ट्री में कैच फायर कई बार क्या होता है बड़ी बड़ी जो शॉप होती हैं बिल्डिंग या फैक्ट्री या घर होते हैं वहाँ पर आग लग जाती है वी कोल फायर ब्रिगेड फ्रॉम द फायर स्टेशन ऐसे में हम क्या करते हैं फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं ताकि वो आग को बुझा सकें फायरमैन कम क्विकली इन रेड कलर्ड फायर इंजन फायरमैन एक रेड कलर की फायर इंजन जिसको बोलते हैं रेड कलर की बस में आता है जिसको फायर इंजन कहते हैं ओके द फायर इंजन रिंग इट्स बेलाउडली टू अलर्ट पीपल टू गिव वे और जो ये फायर इंजन होता है उस पर एक बेल लगी होती है जो बहुत तेज आवाज करती है एक सायरन जिसको बोलते हैं ताकि रास्ता लोग उन्हें रास्ता दे दे रोड पर द फायर मैन यूज लेडर्स एंड लोंग वॉटर पाइप टू पुट आउट फायरस एंड सेव पीपल और जो फायरमैन होते हैं बड़ी बड़ी सीढ़ियों का यूज़ करते हैं बड़ी बड़ी पाइप होती है इनके पास वाटर पाइप होती है जहाँ पर बहुत तेज प्रेशर से पानी आता है और वो बहुत जल्दी आग को बुझा देते हैं और लोगों की जान को बचा लेते हैं दे वीअर फायर प्रूफ क्लोथ्स एंड हेलमेट्स टू प्रोटेक्ट डेम सेल्स और जो ये फायरमैन होते हैं ये फायर प्रूफ जैकेट्स पहनते हैं ताकि इनके कपड़ों में आग ना लगे और हेलमेट भी पहनते हैं ताकि ये आग से खुद को बचा सकें Now here is the classroom ज्वाइन द आइटम्स टू द करेक्ट शॉप कौन सी शॉप से हमें कौन सा आइटम मिलता है जैसे कि बेकरी बेकरी में हमें क्या मिलते हैं बेकरी में हमें मिलते हैं ब्रेड राइट right? तो इस तरीके से फ्लोरिस्ट के पास क्या मिलता है ग्रोसर के पास क्या मिलता है एक स्टेशनरी शॉप पे क्या मिलेगा ग्रीन ग्रोसर और केमिस्ट हैं उनके शॉप्स पे हमें क्या क्या मिलते हैं तो ये आप खुद करेंगे आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे